हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद आपके सामने फिर आ गई हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है गाइस। मैं शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ, आज बना रही हूँ ब्लॉग। तो ब्लॉग में बना रही हूँ आज कुछ खास है। तो मैंने आपसे बोला था कुछ जब भी कुछ खास होगा घर में या कोई अच्छे मूवमेंट आएंगे तो मैं ब्लॉग बना के आपको दिखाऊंगी। तो आज है ये, देखिए मेरे हाथों में मेहंदी है। तो हमारे घर में एक छोटा सा फंक्शन है, और फंक्शन वो क्या है मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले मैं चाय पी लेती हूँ। ये मेरी चाय उबल रही है, उबल उबल के गिर जाएगी। तो फटाफट हम पहले चाय पीते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। गाइस मेरी चाय बनके रेडी हो गई है। ये है मेरी मट्ठी, मैं चाय और मट्ठी ही खाती हूँ, चाय पीती हूँ मट्ठी खाती हूँ। तो फटाफट चाय पी लेते हैं। और मेरे पति ये देखिए रेडी हो रहे हैं, इनको ड्यूटी जाना पड़ रहा है। अब ये ड्यूटी से आएंगे तब हम निकलेंगे। ये देखिए फटाफट रेडी होकर जा रहे हैं लोग। तो चलिए फटाफट चाय पी लेते हैं। ये कौन है? ये अपने डैडी के जूते साफ कर रहा है। बड़ा आज्ञाकारी पुत्र है मेरा, बहुत ही बेटा मेरा अच्छा है। चाय वाय मैंने पी लिया, फटाफट घर की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि फटाफट मुझे निकलना है मार्केट के लिए। तो अब जल्दी से मैं घर की सफाई करके चलते हैं मार्केट। अभी थोड़े से बर्तन पड़े मैं वो धो लेती हूँ। ये देखिए ये किचन ऐसा हो रखा है अभी। तो वैसे मैंने गैस वैसा अभी साफ कर दी है, तो अब थोड़ा सा बर्तन धो लेती हूँ। फटाफट बर्तन धो के नहा के निकलते हैं मार्केट। 1 hour later तो गाइस मैं रेडी हो गई हूँ मार्केट जाने के लिए। तो चलिए फटाफट मार्केट चलते हैं, क्योंकि सामान लेना है। जल्दी से सामान लेके फिर घर भी आनी है और पैकिंग भी करनी है, और उसके बाद निकलना है। तो चलिए अब मार्केट में मिलती हूँ आप। हमारा पोपट हो गया, हम मार्केट आए हैं। और ये देखिए कितनी तेज बारिश हो रही है। अब ऐसे में मैं क्या शॉपिंग करूँगी? सारा हमारा प्लान कैंसिल हो गया। मार्केट आती शॉपिंग करती कुछ भी नहीं ले पाऊँगी मैं गाइस। थी हमारा तो पोपट बन गया। हम गए थे थोड़ा सा शॉपिंग करने की, कुछ सामान वामान खरीद लेंगे, लेकिन अभी तक बारिश बंद नहीं हुई है। मैं भीगते भीगते घर तक आ गई हूँ, लेकिन बारिश नहीं बंद हुई है। तो मैं कोई शॉपिंग नहीं कर पाई हूँ गाइस। बस अब छोटा मोटा ऐसे जो मिल गया तो मिल गया, ले लिया, और मैं आ गई हूँ घर। और अभी भी बारिश हो रही है, पता नहीं हम कब निकलेंगे गाँव के लिए, अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। और मेरे हस्बैंड भी नहीं आए हैं, वो 6 बजे तक बोल रहे मैं आ जाऊँगा। तो जैसे ही वो आते हैं, बाकी मैं खाना पीना रेडी कर रही हूँ, देखते हैं आप जैसे ही आएंगे फिर हम निकलने की तैयारी करते हैं, क्योंकि बारिश तो बहुत तेज हो रही है। हो सकता है हम रात में निकले, तो अभी देखते हैं क्या करना। चलिए मैं जब तक खाना रेडी कर लेती हूँ। 2 hours later सब ऐसे सो रहे हैं कि बेफिक्र होके सो रहे हैं गाइस। मुझे तो नींद ही नहीं आती ट्रेन में, वहाँ पर मेरे हस्बैंड और गाइस हम ट्रेन से उतर चुके हैं और आ गए हैं मुरादाबाद। और मैं आपको एक स्पेशल मतलब यूनिक चीज दिखाती हूँ, सरप्राइज। वर्ल्ड का सबसे बड़ा पंखा, ये देखिए कितना बड़ा फैन है ये मुरादाबाद के स्टेशन में। और इसकी हवा इतनी तेज आ रही है कि बाल उड़ रहे हैं। दिखाना तुम्हारे बाल उड़ रहे हैं। तो गाइस हम मुरादाबाद के स्टेशन में हैं। ये देखिए कितना क्लीन और नीट है, यहाँ लोग सो रहे हैं अभी, एकदम साफ सुथरा एकदम। ये देखिए अभी हम एग्जिट करेंगे बाहर के लिए। ये देखिए कितना क्लीन बना हुआ, एकदम साफ सफाई प्रॉपर है यहाँ पर, बहुत ही क्लीन है मुरादाबाद का स्टेशन। अभी हम यहाँ से जाएंगे घर की तरफ। तो गाइस हम ऑटो में बैठ गए हैं, ऑटो में बैठ के अपने घर पहुँचेंगे। हम जा रहे हैं हमारे घर, हमारे गाँव, हमारे गाँव, यस हमारे गाँव। ये हमारे घर का मेन गेट, ये देखिए मैं आपको फ्रंट से दिखाती हूँ। गाइस अब मैं आ चुकी हूँ घर, अब मैं घर के अंदर का कल दिखाऊंगी आपको। और आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा। गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।